subscribe and share SWNU. मुझे ऐसा है कि मेरे विधानसभा में मानपुर शिवाजी नगर में पहले एक ही कब्रिस्तान था, ये अपना देवनार का, और कभी कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ लोग खड़े यहाँ पर, कभी दिक्कत होती जरूर देवनार में, कभी कोई हाहाकार मचा, कुछ नहीं मचा। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करके, समाजवादी पार्टियों के लोगों ने बहुत कोशिश किया कि जो एक यहाँ पर जगह कब्रिस्तान के लिए पहले थी, जो नहीं पूरा काम नहीं हुआ था, हम लोगों ने बहुत तरह से सीआरजेड से परमिशन लिया, गवर्नमेंट से फंड मंगाया गया, संघर्ष किया गया बहुत, और बहुत खुशी हुई कि एक नई कब्रिस्तान बन गई, एक से दो कब्रिस्तान हो गई है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ना गवर्नमेंट से कह करके, यहाँ जो बरगा लगता है ना, हमने फ्री कराया कि गवर्नमेंट से बरगा मिलना चाहिए, बरगा मिलना शुरू हो गया, और गवर्नमेंट से कब्रिस्तान के लिए दूसरी सहूलतें हम लोगों ने बहुत दिया यहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल अब यहाँ पे 18 महीने हो गए, बॉडी जो है ना बिल्कुल गल नहीं रही है, कुछ गल रही कुछ नहीं गल रही है। अब उसकी वजह क्या, कॉर्पोरेशन हमारे ये एमएलए खड़े हैं जो कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार डिपार्टमेंट के हैं, उनका कहना है कि 18 महीने में हमको कब्रिस्तान खोदना चाहिए, अगर जो कोई बॉडी ऐसी है जो बॉडी नहीं गली है तो उसको हम ढांक देंगे, और जो बॉडी गल गई उसमें नया कब्र डाल देंगे। तो मैंने उलमाओं से पूछा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बोले हाँ कर सकते, कानून है कर सकते हैं। देखिए अगर आप मुंबई, पूरे मुंबई में या मुंबई महानगर के अगल बगल में देखेंगे, आप विरार जाएंगे, आप उल्लासनगर जाएंगे, कल्याण जाएंगे, आप कुर्ला जाएंगे, तो कब्रिस्तान की बहुत कमी है। वो तो हम लोगों ने, यहाँ के लड़कों ने, हमारे समाजवादी के हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश किया, तो नसीब से हमको दो कब्रिस्तान हो गई है। अब ऐसा है कि कल इन्होंने मुझे कहा था कि हाँ भाई 18 महीने से ज्यादा हो गए, कब्रिस्तान में अपन जो है दफन कर सकते हैं। इन्होंने जब चेक करना शुरू किया तो कुछ लोग आकर हैंडल करने लग गए, आप कुछ खोल के आप जो बॉडी ऐसी बंद नहीं कर सकते, बदतमीजी किया, गाली गुफ्तारी शुरू कर दिया लोगों ने, ये गलत चीज है। देखिए जो कानून ये है और क्या, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, देख कब्रिस्तान किसी कमेटी को नहीं दी गई, इस कब्रिस्तान का पूरा देखभाल ना तो किसी एमएलए के जिम्मे है, ना तो किसी नगर सेवक के जिम्मे है, सब की सब देखभाल कारपोरेशन के जिम्मे है। कारपोरेशन के लेबर आते हैं, कारपोरेशन पैसा देता है, कारपोरेशन सब काम करता, बरगा देता है, मजदूरी देता है, कारपोरेशन करता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना इलीगल पैसे वसूलते हैं आके कि मैं इसका ट्रस्टी हूँ। मैं ऐलान कर देता हूँ कि दोनों कब्रिस्तान का कोई ट्रस्टी नहीं है, किसी को नहीं दी गई है, सारी की सारी दोनों कब्रिस्तान जो है म्यूनिसपैलिटी कारपोरेशन के अंडर में है, किसी को इसमें कोई घुसकर कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मदद करना है तो आप आकर बात कीजिए, कॉर्पोरेशन से बात कीजिए, क्या मदद करना चाहे कीजिए, लेकिन पैसे नहीं कमा सकते आप यहाँ पर आकर, क्यों खा जाए पैसे, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ मिट्टी डाली गई है, कुछ कहते लोग मिट्टी के पैसे खा गए, अरे मैंने जगह बोला एमएलए ने मिट्टी के पैसे खा लिया, अब मेरी यही हैसियत रहेगी कि मैं मिट्टी के पैसे खा जाऊंगा, इस तरह की बातें कर रहा। देखिए मिट्टी जब यहाँ पे डाली गई थी ना, तो मिट्टी डालने के पहले उसका सॉइल टेस्ट हुआ था, ये सॉइल टेस्ट की ये गोंडी की है, हमारे अबरार भाई यहाँ पे है, और ये मीडिया के आदमी है, ये एक टेस्ट हुआ है डालने के पहले, और दूसरा टेस्ट हुआ है, तीसरा टेस्ट भी है होने वाला है। तो मिट्टी का टेस्ट पूरा किया, कहीं सॉइल में इस सर्टिफिकेट के मुताबिक, मैंने तो मिट्टी डाला नहीं सर, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का मसला है, नहीं कुछ है नहीं मसला है। अभी जो कह रहे हैं लोग ना, मसला ये है, एक तो कोविड में जो बॉडीज आई ना वो प्लास्टिक में लपेट के आई, वो बॉडी जल्दी गल नहीं रही है, और उसकी तादाद बहुत है। दूसरी चीज, लोग अब पेरिकॉट के कपड़े में भी कफन भेज रहे हैं, एक वो प्रॉब्लम निकल रही है। तीसरी चीज, जो यहाँ पर बरगा आ रहा है ना, पब्लिक बहुत ज्यादा डिमांड करने लगती है ना कि भाई मोटा बरगा लाओ, मोटा बरगा लाओ, मोटा बरगा आ गया। अब मोटा बरगा टूटता नहीं, मिट्टी अंदर जाती नहीं, ये स्पेशल लोग, मैं नहीं जानता इन चीजों को, मैं तो ले मैन हूँ, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि ये वजह है जो बॉडी नहीं गल रही है, तो ये वजह है। इसमें किसी का करप्शन, किसी का कुछ, न तो किसी नगर सेवक ने काम किया है, न तो किसी एमएलए ने काम किया है, जो काम किया है टेंडर हुआ है, कॉर्पोरेशन ने काम किया, अगर कहीं बेईमानी होगी कुछ होगी तो वहां से होगी, गुनगारी करो जाके कि किसी हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी चुने हुए आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पे सहूलतें लाना, फंड लाना। तो अभी आज हमने देख लिया इसको, अब हम जो है
अब बात कर रहे हैं इनसे कि किसी तरह से कल से परसों से, आज तो नहीं हो रहा है, एक दिन दो दिन में किसी तरह से हम लोग जो है देवनारी कब्रिस्तान को चालू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है यहाँ हो जाए और आगे इसी कब्रिस्तान के पीछे 4 एकड़ जमीन जो डीपी में कब्रिस्तान के लिए है वो भी ले ली गई है, वो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन उसको बनाने में 200 करोड़ खर्चा है। अब कॉर्पोरेशन, अब जब ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन ये 200 करोड़ देगा तो होगा? अभी नगर सेवक चुन के आ नहीं रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, ये सब चर्चा होती नहीं है, इसलिए चीजें रुकी हुई है, इंशाल्लाह होंगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि और इलाके से ज्यादा हमारे यहाँ सहूलत है, और इलाके से ज्यादा हमारे यहाँ कब्रिस्तान की जगह है, और इंशाल्लाह और आगे होगी। ये लोग जो लोग कुछ आपस में चिल्लाते हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे कामों के अंदर आप लोग तकसीबकारी मत करो। सर क्या पूछना पूछो? मंडाला के लोगों के सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि ये इन लोगों को भी कब्रिस्तान की जरूरत है। नहीं, ये मंडाला इसी में आता है ना, तो जरूरत है, लेकिन उस तरफ भी तकलीफ है। मेरे पास इतनी एप्लीकेशन है, इतनी लोगों की जरूरत है, कब्रिस्तान की इतनी जरूरत है, मुंबई में इंसान को रहने की जगह ही नहीं है, और इतना ज्यादा ये पॉपुलेटेड एरिया है, तो जरूरत तो बहुत ज्यादा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हमारे पुरखे किसी की इंतकाल हो तो 20 साल तक ना खोदी जाए, लेकिन कैसे मुमकिन है यहाँ पर? तो गाँव में उसका जहाँ आबादी नहीं हो। क्या नहीं, सब्स्टिट्यूट निकाला है जो उन्होंने कई खोजा था? आपने कितने खोजे बताइए? आप 5 5 दो डिस्पोज हो गए, दो में दफन कर सकते हैं आप, समझा आपने? तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या इसका हल है, कैसे है। शरीयत के मुताबिक उलमाओं से बात करके कोई भी मजहबी ऐसी चीज ना हो जिससे कि गैर मजहबी कुछ काम वहाँ हो जाए, वो देख करके काम किया जाए।